हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडरलैंड, वंडरलैंड गार्डन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर होम एंड गार्डन नीड। अब मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि वंडरलैंड नया क्या लेकर आया है, क्या नए नए प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त और एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, जो कि एकदम सुपर्ब है अगर आपको अपने गार्डन में, अपने टेरेस पे, अपनी बालकनी में या अपने घर के अंदर किसी भी एरिया को एक्सेंचुएट करना है, उसको सुंदर बनाना है। और ये आइटम है डायरेक्टली इंपोर्टेड, वंडरलैंड डायरेक्टली इंपोर्ट करता है इस प्रोडक्ट को और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता है, तभी तो आपको मिलते हैं बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ये है हमारी पिकेट फेंस, ये एक डेकोरेटिव पिकेट फेंस है जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 50 सेंटीमीटर है और अगर हाइट की बात करें नीचे से ऊपर तक तो लगभग 30 सेंटीमीटर है। ये हमारी पिकेट फेंस है स्पेशली उन जगहों के लिए जहां पर आपको ज़मीन में कुछ गाड़ने की जगह नहीं है, यानी कि आपका मार्बल का या कोटा पत्थर या फर्श है जहां पर कि आप इन प्रोडक्ट्स को, इस पिकेट फेंस को लगा सकते हो बहुत ही आराम से बिना गाड़े। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत हाई क्वालिटी PU PVC से बना हुआ है, जिसके ऊपर स्पेशल पेंट हो रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। इसकी जो कलर है और फिनिश है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। ये इस तरीके का प्रोडक्ट है इस, जो कि ये एक के स्ट्रेट पिकेट फेंस है। अब ये जो पिकेट फेंस है इसके अंदर आप देखिए, एक तरफ पे है लॉकिंग मैकेनिज्म, यानी कि एक तरफ पे ये हुक्स इस तरीके के हैं और दूसरी तरफ पे जो हैं ये इस तरीके के ब्रैकेट हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको इन पिकेट फेंस को साथ में जोड़ना है तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये दो हमारे पिकेट फेंस हैं, हमको इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो एक तरफ आपको रखना है जिसके अंदर कि ये हुक सिस्टम है और दूसरी तरफ पिकेट फेंस का जहाँ पर ये ब्रैकेट है। इनको बहुत ही आराम से आप ये लॉक को इस ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए और ये आपस में लॉक हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर लॉक हो गया और अब ये यहाँ पर लॉक हो गया, तो फिर ये प्रोडक्ट जो है आपस में हिलता नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इन पिकेट फेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा ये एरिया है उसको दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से गमले के चारों ओर हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत लगे। जैसे मैंने आपको बताया, हम इस छोटे से एरिया को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। और कैसे डेकोरेट करेंगे, पहले आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है कि किस तरीके की आपको डिज़ाइन चाहिए। जैसे ये एक पॉट है और मेरे माइंड में है कि मैं चारों ओर इसके थोड़े से सीजनल फ्लावर्स लगाऊंगा और फिर इस एरिया को एक बॉक्स के शेप में कवर करूंगा अपनी डेकोरेटिव पिकेट फेंस से। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस एरिया को डेकोरेट करना। ये है हमारा मेन प्लांट, इस तरीके के इसके फ्लावर्स जो हैं चारों ओर लगाने स्टार्ट करें। ये देखिए सारे सीजनल फ्लावर्स हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं और इस एरिया के अंदर हम इनको लगाएंगे। अब ये एरिया हमने जैसे फ्लावर्स के साथ हम इसको डेकोरेट करते जा रहे हैं और इस एरिया को एकदम अलग से सुंदर एक्सेंचुएट करेंगे। अब ये देखिए, हमने इस प्लांट को चारों ओर फ्लावर से कवर कर दिया है कि ये सुंदर लगने लगे। अब हम लेंगे अपनी वंडरलैंड की डेकोरेटिव पिकेट फेंस। पहले हम दो पिकेट फेंस से स्टार्ट करेंगे, तो हम दो पिकेट फेंस को आपस के अंदर लॉक करेंगे। तो ये देखिए, हमने जैसा मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक साइड है ब्रैकेट और एक साइड है हुक। हर पिकेट फेंस में एक तरफ पे हुक्स हैं और एक तरफ से ब्रैकेट हैं। तो आपको ये हुक जो है इस ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट कर देना है। ये देखिए कितने आराम से ये एक इंसर्ट हो गया। और अब मैं आपको दूसरा करके दिखाऊंगा। ये देखिए दूसरा ये हुक और ये ब्रैकेट, और ये मैं इसको अब इंसर्ट कर दूंगा। ये भी हो गया। अब इसको हम लोग जो हैं इसी तरीके से बाकी की भी जो पिकेट फेंस हैं हम वो आपस में बना देंगे।
तो ये हमारा एक हो गया सेट, और इसी तरीके से ये देखिए ये ब्रैकेट और ये है हमारे हुक, इसके अंदर हमने इसको एक फिट किया, क्लिक करके एक आवाज़ आती है, और दूसरा फिट किया, और ये हमारा जो है ये आपस में किस तरीके से हमने इसको एकदम स्ट्रेट शेप के अंदर ये पिकेट फेंस जो है सारी एक के अंदर एक जोड़ दी है। तो ये देखिए हमने किस तरीके से ये सारी पिकेट फेंस एक के साथ एक जोड़ दी हैं। ये हैं टोटल 8 पिकेट फेंस सेल्फ स्टैंडिंग, और ये इस तरीके से एक लाइन बन गई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको या इस तरीके से इसके चारों ओर सजाएंगे। तो हम लोग अब अलग अलग शेप बना सकते हैं। अगर जैसे आपको स्क्वायर बनाना है तो आप इसको स्क्वायर आगे से बना सकते हैं इस तरीके से, और ये देखिए एक स्क्वायर का शेप बन गया है। इसको हम थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, तो ये आपका एक स्क्वायर का शेप बन गया इस तरीके से। अगर आपको इसके अंदर ऑक्टोगन या कोई और भी शेप चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कि चारों ओर से एक तरीके से ये इस प्लांट की और प्लांटर्स की इनकी बाउंड्री बन गई है। इसको फर्दर डेकोरेट करने के लिए हम अपने छोटे छोटे से सीजनल प्लांट्स इसके चारों ओर लगा देंगे। जैसे ये एक हमने लगा दिया और यहाँ पर एक दूसरा लगा दिया कि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, और एक और इनका सबका फ्रेंड हमारा वंडरलैंड का रैबिट प्लांटर हमने बीच में एक यहाँ पर लगा दिया। तो अब देखिए कितनी खूबसूरती से हमने ये छोटे छोटे अपने सीजनल फ्लावर्स लगा दिए हैं, और बीच में एक हमारा वंडरलैंड का रैबिट प्लांटर लगा दिया है जो कि इसके साथ है। अब देखिए ये क्या एरिया था और अब इसका कितना ज़बरदस्त कितना सुंदर गेटअप आ गया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से आप अपनी बालकनी में, आपका टेरेस गार्डन है, अपने कोई पर्टिकुलर रूम में आप कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने अभी ये 8 पिकेट फेंस को यूज़ किया है, अगर आपको स्क्वायर में बनाना है तो आप 4 पिकेट फेंस के साथ अगर छोटी जगह है तो वहाँ पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पर एक आगे और एक साइड में इस तरीके से 4 का एक बना सकते हैं अगर आपको छोटा स्क्वायर बनाना है। ये एक बड़ा स्क्वायर है। एक और चीज़, बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि हमको तो स्क्वायर बनाना नहीं, हमको तो अपने गार्डन में जो क्यारी है उसको डिफाइन करना है, उसको सुंदर करना है। पहले ज़माने में क्या होता था, हम लोग ईंटें लगाते थे एक ऐसे और इस तरीके से क्यारी बनाते थे। अब वो एक पुराना स्टाइल हो गया। अगर आपको और ज़्यादा सुंदर बनाना है, इसको एक यूरोपियन टच देना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको अपनी क्यारी को जो है वो स्ट्रेट वे के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये हमारे पीछे पेड़ लगे हुए हैं और मेरे को यहाँ पर एक क्यारी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी पिकेट फेंस को, ये जैसे हमारी 8 का सेट है, इनको यहाँ से खोल दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक पिकेट फेंस को 90 डिग्री पे रखूँगा और बाकी की जितनी हमारी पिकेट फेंस हैं ये पिकेट फेंस हैं इनको स्ट्रेट में यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जो हैं वो रख देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है जब हमने एक पूरी क्यारी को अपने वंडरलैंड के पिकेट फेंस के साथ पूरा डेकोरेट किया है। अंदर पूरा एकदम मॉडर्न डिज़ाइन लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। ये वाइट कलर में ही आती है क्योंकि वाइट कलर वो कलर होता है जो हर जगह पे, हर डेकोर में, हर तरीके की जगह पे बहुत सुंदर लगता है और ब्लेंड कर जाता है, इसीलिए हम इसको स्पेशली वाइट कलर में बनवाते हैं। दीज आर ऑल एक्सेलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वंडरलैंड। अब जैसे ये क्यारी है, अब हमको इसको डेकोरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने अपनी पिकेट फेंस लगाई है, इसके अंदर की साइड पे हम थोड़े से बड़े वाले अपने प्लांटर्स जो हैं उनको रखेंगे, जैसे हमने ये रखा, और आगे की तरफ में जो हमारे
छोटे छोटे ब्यूटीफुल सीजनल फ्लावर्स हैं, हम उससे इनको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने फ्लावर्स यहाँ पर सारे रखे जो कि बहुत ही ज़्यादा इस एरिया को सुंदर और डेकोरेटिव बना देंगे। और हम अपना वंडरलैंड का रैबिट्स प्लांटर तो भूल ही नहीं सकते, वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा जो कि इस पूरे एरिया को एकदम ब्यूटीफाई कर देता है। तो एक ही पिकेट फेंस से आप कई चीज़ें कर सकते हो। एक और आपको मैं चीज़ बताता हूँ, मैंने अपने घर में ए पिकेट फेंस के साथ, जैसे अभी क्रिसमस का अगर टाइम आ रहा है या आपका आर्टिफिशियल प्लांटर्स हैं या लेटर से आपके पास कोई आर्टिफिशियल ट्रीज हैं या रियल प्लांटर्स या रियल ट्रीज हैं घर के अंदर हैं या बाहर हैं, गमले हैं, उसको भी एक्सेंचुएट कर सकते हो। जैसे क्रिसमस ट्री के चारों ओर भी मैंने इसी पिकेट फेंस से डेकोरेट करके बहुत ही सुंदर बनाया था, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और अपने ऑफिस में जहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल ट्री लगा रखे हैं, वो बाय द वे वंडरलैंड में आर्टिफिशियल ट्रीज भी मिलते हैं, कम टू आर वेबसाइट एंड चेक आउट आर स्टोर, वहाँ से आप आर्टिफिशियल ट्रीज भी ले सकते हो जो बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस और बहुत ही एरिया को सुंदर बना देते हैं। उसके चारों ओर भी मैंने ये पिकेट फेंस लगा रखी है उस एरिया को डेकोरेट करने के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे ये सब मिलेगा कहाँ, तो अगर आप चाहें तो आ सकते हैं हमारे फरीदाबाद के वेयर हाउस और शोरूम में, जो कि है नियर NHPC चौक मेट्रो स्टेशन, वेरी क्लोज टू द दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर। अब आपके सामने हमारा एड्रेस, वेबसाइट, लिंक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज आ चुका है, वहाँ पर आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। ऑल्सो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आर चैनल वंडरलैंड गार्डन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन, जिससे जो भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं आपके लिए अलग अलग तरीके के, अपने गार्डन, बैल्कनीज या घर को और सजाने के लिए, उसको और डेकोरेट करने के लिए या गिफ्टिंग आइडियाज़, आपको सब मिलता रहे, सो दैट यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स एट बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस। थैंक यू।